तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अजी, क्या हालचाल है आपके। और श्रावण के पावन महीने में हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन पे, और पटना जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू होने जा रही है जो दानापुर से चल के सुल्तानगंज को जाएगी, जिसका ट्रेन नंबर है 03322 जो दानापुर से चल के बांका को जाएगी। उसी ट्रेन की अपनी जर्नी होने वाली है पटना जंक्शन से लेकर सुल्तानगंज तक। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं जर्नी। और यह है पटना जंक्शन का शानदार नज़ारा। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन आ चुकी है मेला स्पेशल, जो दानापुर से चलकर बांका को जाती है। मेला स्पेशल ट्रेन आ चुकी है प्लेटफार्म नंबर 3 पे पटना के, और यहीं से हम लोग बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन को। और यहाँ पे लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं कांवड़ यात्रा लेके जाने के लिए, सुल्तानगंज देवघर जाने के लिए। तो दोस्तों, पटना से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफार्म नंबर 3 से, और मात्र 2 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 3 से। तो आइए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे, और हम इसे यात्रा करने वाले हैं सुल्तानगंज तक। बाकी सामने खड़ी है इंदौर राजेंद्र नगर स्पेशल एक्सप्रेस, बाय बाय पटना। बोल बम बोल बम। एकदम बैठ जाइए बम, बैठिए बोल बोल बम बोल बम। फतुहा जंक्शन, और फतुहा जंक्शन का यह प्लेटफॉर्म नंबर 2। और सामने खड़ी है दानापुर से, और यहाँ पे भी अपने कांवड़िया की भीड़ देख सकते हैं आप लोग। बोल बम बोल बम। बोल बम। हाँ, बख्तियारपुर रुकेंगे। तो दोस्तों, पटना से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं फतुहा जंक्शन पे। और फतुहा जंक्शन की बात करें तो FUT इसका स्टेशन कोड हुआ, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है, बाकी ट्रेन निकल चुकी है अपने फतुहा जंक्शन से। और बात करें जंक्शन पॉइंट की, हूँ तो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे अपना स्टेशन पड़ता है, बाकी एक लाइन यहाँ से तिलैया के लिए जाती है, इसीलिए अपना फतुहा जंक्शन पॉइंट भी हुआ। और इसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा बख्तियारपुर में फतुहा जंक्शन। बख्तियारपुर जंक्शन, और सारे कांवड़िया इसी बोगी में चढ़ चुके हैं अपने।
तो दोस्तों ये है हावड़ा दिल्ली मेन रूट का बख्तियारपुर जंक्शन और हम लोग आ चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन पे। समय हो रहा है 7:10 और यहाँ पे अपने ट्रेन का आने का टाइमिंग था 6:52, लेकिन ट्रेन आई है 15 मिनट लेट और पीछे अभी अपनी आ रही है नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। तो बात करें बख्तियारपुर जंक्शन की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 और बी के पीछे का स्टेशन कोड हुआ और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि हावड़ा दिल्ली मेन रूट पे तो स्टेशन पड़ता ही है, एक लाइन यहाँ से तिलैया की तरफ जाती है। कि बात करें तो बख्तियारपुर जंक्शन की तो 114 ट्रेनें यहाँ पे हाल्टिंग होता है और 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती है, तो इस हिसाब से अच्छा खासा जंक्शन भी है अपना बख्तियारपुर। तो चलिए 5 मिनट अपने ट्रेन का हाल्टिंग है, उसके बाद डिपार्चर आपको दिखा देते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा केउल में। तो दोस्तों बख्तियारपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्टिंग था, लेकिन अपनी ट्रेन को बहुत सारी ट्रेनों को क्रॉसिंग कराते कराते इसको 1 घंटा डिले कर दिया गया, यानी ये ट्रेन अब यहाँ से 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम डिले हो चुकी है। बख्तियारपुर जंक्शन केउल जंक्शन दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है केउल जंक्शन पे। केउल जंक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 160 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं, 12 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 12 ट्रेनें यहाँ पे टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे अपने ट्रेन का आने का टाइमिंग था 9 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे आते आते मतलब 2 घंटे लेट हो चुकी है, यानी 2 घंटे की देरी से आ चुकी है केउल जंक्शन पे। और केउल जंक्शन पे पूरा बारिश लग चुकी है, देख सकते हैं पूरा बारिश में भीगते हुए वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलते हैं, 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद डिपार्चर दिखा देते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज जंक्शन पर कांवड़ियों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग।
तो दोस्तों रात के 12:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आप कवारियों की भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ एकदम। रात में 12-1 बजे भी कांवरियों का ऐसा नज़ारा आप केवल सुल्तानगंज में ही देख सकते हैं और देवघर में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम अपनी ये छोटी सी जर्नी का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।